हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम पवन यादव वर्किंग एज ए पीजीटी मैथमेटिक्स इन सूरज स्कूल रेवाड़ी। एंड डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो देखिए बेटा, आज हमारा ये इसके ऊपर लगभग लास्ट लेक्चर रहेगा। इससे पहले हम 3 वीडियो लेक्चर्स इसी टॉपिक के ऊपर बना चुके हैं। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस जो बच गए थे वो आज हम कवर करेंगे। तो देखो, अगर आपके पास आ जाए 1/(1 − sin x)√, तो इसको कैसे सोल्व करें? तो देखो बेटा, पहले कोशिश करनी है कि अनरूट से बाहर कैसे निकाला जाए, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए जिससे ये अंदर कोई स्क्वायर बन जाए और अनरूट से बाहर निकालें तो इजीली उसको सोल्व कर लें। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको आप सबको पता ही है भाई, dx अपॉन, क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूं, sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अगर ये सेम है तो बताओ इसकी वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती है। 1 की जगह मैंने ये लिख दिया। और sin 2x का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th में, 2 sin x cos x, तो sin x का क्या बन जाएगा, −2 sin x/2 × cos x/2, और इस सारे का क्या है, स्क्वायर रूट है। तो देखो अगर हम इसके इंटीग्रेशन को सोल्व करें तो ये बेटा क्या बन गया, sin x/2 − cos x/2 इसका होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो आप एक काम और भी कर सकते हैं भाई, चाहे आप a माइनस बी का स्क्वायर कह दे, चाहे b माइनस a का स्क्वायर कह दे, मतलब sin x by 2 माइनस cos x by 2 का भी स्क्वायर ठीक है, और cos x by 2 माइनस sin x by 2 का स्क्वायर भी कह सकते हो, क्योंकि चाहे आप a माइनस बी का स्क्वायर कर ले, चाहे b माइनस a का स्क्वायर कर ले, दोनों सेम आएगा। तो जरा बताइए, इससे बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, dx अपॉन sin x by 2 माइनस cos x by 2, ठीक है। अब हमारे लिए एक प्रॉब्लम और नई जनरेट हो गई, वो कैसे, कि नीचे डिनोमिनेटर में 2 टर्म आ गई अलग अलग, तो अब इसको कैसे सोल्व करें भाई। अगर एक सिंगल टर्म होती, मान लिया 1/(1 − sin x/2) होता, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता, cosecant x by 2, और cosecant x by 2 का इंटीग्रेशन तो हमें आता है। सिमिलरली अगर cos x by 2 अकेला होता तो रेसिप्रोकल करते तो क्या आता, secant x by 2, उसका इंटीग्रेशन भी हमें पता है। तो कोशिश क्या करना है बेटा, यहां sin भी है cos भी है, 2 टर्म है, तो कोशिश करो इसकी एक सिंगल टर्म बना पाओ। अब देखो सिंगल टर्म कैसे बनेगी, मैं ऐसा कर सकता हूं, dx अपॉन, मैंने रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया और रूट टू से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब रूट टू से डिवाइड करूंगा मैं तो देखो क्या बनेगा, रूट टू मल्टीप्लाई कर दिया, रूट टू डिवाइड, तो ये बन जाएगा 1/√2 sin x/2 − 1/√2 cos x/2। समझ आया मैंने क्या किया, रूट टू से देखो मल्टीप्लाई किया, रूट टू से मैंने डिवाइड कर दिया। पता है इससे क्या फायदा होगा, देखो आपको बताता हूं, ये आ गया तुम्हारे पास 1/√2 × dx/2। अब आपकी मर्जी है बेटा, मैंने इसके एक सिंगल टर्म बनाने के लिए प्रयास किया। सिंगल टर्म कैसे बनेगी जरा देखो, आपको भी समझ आ जाएगा कैसे। इसको मैं लिख सकता हूं, ये तो लिखा ही हुआ है sin x/2, ठीक है, ये क्या है 1/√2, तो क्या मैं 1/√2 की जगह cos π/4 नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकता हूं भाई। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। आप चाहे तुम cos π/4 लिख दो, चाहे तुम sin π/4 लिख दो, क्योंकि sin π/4 भी कितना होता है, 1/√2 होता है, और cos π/4 भी 1/√2 होता है, तो तुम्हारी मर्जी है, आप दोनों यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, एक में कुछ और बनेगा दूसरे में कुछ और बनेगा। देखो आगे, माइनस cos x by 2 into 1/√2 की जगह बोलो क्या लिखूंगा, sin π/4 भाई, sin 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। पता है मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा बेटा इसलिए किया कि आप ध्यान से देखो,
ये तो आइडेंटिटी बन गई, फॉर्मूला बन गया इलेवेंथ क्लास का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। भाई अगर मैं इसको ए ट्रीट करूं एक्स बाई टू को और इसको बी ट्रीट करूं तो क्या बना, ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और ये क्या होता है आप सब जानते हैं, ये होता है साइन ए माइनस बी। अच्छा अगर आप यहां इसकी जगह साइन पाई बाई फोर कर देते तो ये पता है क्या बनता, साइन एक्स बाई टू इंटू साइन पाई बाई फोर माइनस कोस एक्स बाई टू इंटू कोस पाई बाई फोर, माइनस को मन ले लेते कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी बनता, वो हो जाता कोस ए प्लस बी। ठीक है अब हो गया साइन ए माइनस बी। चलो अब क्या करें जरा बताओ, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो ये बन गया कोसिकेंट एक्स बाई टू माइनस पाई बाई फोर इंटू डी एक्स। और अब आपको याद है कोसिकेंट एक्स के मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, याद करो, एक तो था कोसिकेंट एक्स क्या था याद करो, लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स मॉडुलस, याद आया, और दूसरा था लॉग टेंजेंट एक्स बाई टू, याद हो तो आपको, तो इसपे हम अगर टेन वाला लगा दें इसमें तो बताओ क्या आ गया, इसको मैं लिख सकता हूं log of tangent, अब मैंने कहा x by 2, तो हमारा x क्या है बेटा, हमारा तो ये x है, हम कह रहे cosecant x, तो x तो हमारा ये है, अब हम कह रहे x by 2, तो x by 2 कहने का मतलब क्या हुआ, ये बन गया x by 4 minus pi by 8 बन गया, है ना, इसका आ गया modulus, समझ में आया कि नहीं आया, क्या बन गया देखो log tangent x by 2, मैंने इसको भी दो से डिवाइड कर दिया, इसको भी दो से डिवाइड कर दिया, अब एक चीज और मिसिंग रह गई, क्या भाई cosecant x है बेटा तो इस अंदर वाले एंगल का भी तो करोगे डेरिवेटिव, जो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, बताओ x by 2 का कितना डेरिवेटिव आया, 1 upon 2 आया, और pi by 4 का क्या आया, इसका तो जीरो आया, प्लस आ जाएगा c आपके पास, अब क्या करें 1 by 2 तो ऊपर जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है जब ये 2 बनेगा तो 2 upon root 2 क्या आया, root 2 into log of tangent x by 4 minus pi by 8 प्लस क्या आ गया c आ गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। पता है हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई, याद करो cosecant x का जो बेटा इंटीग्रेशन होता था log of tangent x by 2 plus c, और एक ये भी होता था log of cosecant x minus cot x इसका modulus plus c, तो बेटा ये आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि कभी भी आपके पास इस तरह का कॉम्बिनेशन आ जाए तो पहले अंडर रूट से बाहर निकालो, नीचे दो टर्म आ जाए साइन और कोस तो आप तुरंत एडजस्ट करके उसकी सिंगल टर्म बनाओगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, नोट इट। यस बेटा देखो एक क्वेश्चन ऐसा ही और करने का प्रयास करते जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो नीचे आपके पास दो टर्म दे रखी है, दे रखी है कि नहीं दे रखी है, अब आप नीचे वाली टर्म को एक सिंगल टर्म बनाने का प्रयास करोगे। अब सिंगल टर्म कैसे बनाओगे जरा बताइए, क्या कर सकते हैं बताओ इसके अंदर, अब इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो बोलो कुछ फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे एक बेटा आइडेंटिटी एडजस्ट हो जाएगी। कैसे, देखो इस 2 को तो मैंने बाहर निकाल लिया dx upon, जब इस 1 by 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा sin x into 1 by 2, ठीक है, प्लस cos x into root 3 by 2, और बेटा अगर इसको रीएडजस्ट करें तो ये क्या बन गया, जरा ध्यान से देखो क्या बन गया, sin a कोस, अब बताओ कोस कितने डिग्री पे 1 बाई टू होता है, भाई कोस 60 डिग्री पे 1 बाई टू होता है, तो मैं इसको लिख दूंगा पाई अपॉन 3, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई टू प्लस कोस एक्स, अच्छा साइन कितने डिग्री पे रूट 3 बाई टू होता है 60 पे, तो इसको लिख सकता हूं साइन पाई बाई 3,
अच्छा अब देखो आप, ये तो आपकी आइडेंटिटी एडजस्ट होके आ गई। कौन सी है जरा ध्यान करो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये क्या होता है साइन ए प्लस बी एक्स प्लस फाइव बाई थ्री। और आप देखो नीचे एक सिंगल टर्म आ गई कि नहीं आ गई जो हम चाह रहे थे, बिल्कुल आ गई। तो अब इसको क्या कह सकते हैं हम, वन बाय टू इंटू, जब आप साइन का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा बेटा कोसिकेंट, यहां क्या आ जाएगा एक्स प्लस पाई बाई थ्री इंटू डी एक्स आ जाएगा। अच्छा अब बताओ कोसिकेंट एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता था, अभी लास्ट क्वेश्चन किया तो था, कोसिकेंट एक्स का क्या होता है लॉग ऑफ टेंजेंट, लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स बाई टू ठीक है प्लस सी। तो जब लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स बाई टू करेंगे बेटा तो एक्स का तो हो जाएगा एक्स बाई टू, पाई बाई थ्री का हो जाएगा पाई बाई सिक्स। नीचे जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एंगल का तो एक्स का तो वन हो जाएगा, पाई बाई थ्री का जीरो हो जाएगा ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। एक काम और कर सकते हो कि साइन एक्स का जो कोफिशियंट है जैसे यहां पे वन है, तो इसको आपने इलेवेंथ में कॉम्प्लेक्स नंबर में किया होगा, वन को आप आर कोस थीटा मान लो और इसको रूट थ्री को क्या मान लोगे आर साइन थीटा मान लोगे, और अब आप आर की वैल्यू निकाल लोगे और थीटा की वैल्यू निकाल लोगे। तो पता जब वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आइडेंटिटी बन जाएगा, देखो साइन एक्स इंटू आर कोस थीटा प्लस कोस एक्स इंटू आर साइन थीटा, आर कॉमन आ जाएगा तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ आई बात, आप थीटा और आर आप आराम से निकाल सकते हो। आर कैसे निकालोगे याद करो, इलेवंथ में तुमने किया होगा, आर कैसे निकालते थे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो ये तो वन हो गया प्लस ये करोगे तो थ्री हो गया, और इधर करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर जब स्क्वेयरिंग और एडिंग करोगे तो आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस थ्री, तो ये तो फोर हो गया। आर स्क्वेयर को मान लोगे तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा वन हो गया, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर, आर आ गया टू ठीक है। सिमिलरली अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो बताओ आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा विल बी इक्वल टू रूट थ्री, ये कैंसिल तो टेन थीटा आ गया रूट थ्री, तो थीटा आ गया पाई बाई थ्री 60 डिग्री। तो देखो बेटा यार की जगह तो 1 बाई टू आ गया, नीचे आपका 1 बाई टू ही था, और साइन आ जाता देखो साइन एक्स प्लस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी थी पाई बाई थ्री। समझ में बात आ रही है, तो चाहे तो आप क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, और या फिर आप ये एवरग्रीन मेथड लगा दें, मतलब साइन के साथ जो कोफिशियंट है एक उसको आर कोस थीटा ले लीजिए, और जो दूसरा कोफिशियंट है उसको आर साइन थीटा ले लीजिए, और देन आप इलेवंथ में पोलर फॉर्म को सोल्व नहीं करते थे, पोलर फॉर्म की तरह से एक बार स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर देंगे तब तो आर आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी, और जब आप डिवाइड कर देंगे तो थीटा आ जाएगा ठीक है। और ये आपके पास जब आप पुट करोगे तो ये आइडेंटिटी बनेगी, और चाहो तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। नोट इट। यस बेटा, अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बेटा इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मिस्टेक करते ही करते हैं। इस क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी कर लेना, क्योंकि अगर ये नहीं निकाल के देखोगे तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक होगी होगी, क्योंकि इसमें कई जगह आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। पहली बात बताओ रूट एक्स की जगह क्या पुट करूं कि ये कोई आइडेंटिटी बन जाए, तो याद करो वन माइनस कोस थीटा वन प्लस कोस थीटा, याद आया आपको, तो ये एक आइडेंटिटी बन जाती है। तो चलो कोशिश करते हैं, रूट एक्स को बोलो क्या सब्स्टिट्यूट कर दें कोस थीटा ठीक है। आप देखो इससे क्या फायदा मिलेगा हमें बताइए जरा, यहां से एक्स किसके इक्वल आ गया बेटा कोस स्क्वायर थीटा, अरे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो डीएक्स किसके इक्वल आया डीएक्स इज इक्वल टू, पहले तो पावर का करोगे टू कोस थीटा इंटू कोस थीटा करोगे तो माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा ठीक है। तो देखो क्या क्या बाहर आ गया, माइनस का टू को तो बाहर ले लेते हैं, देखो इस माइनस टू को तो मैंने क्या ले लिया बाहर ले लिया, अब क्या करें जरा बताओ ये क्या बचा
वन माइनस कोस थीटा, वन प्लस कोस थीटा, इसका अंडरूट, यही तो है। और इनटू क्या है जरा बताओ, देखो ये माइनस टू तो मैंने बाहर ले लिया, डीएक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, इनटू साइन थीटा कोस थीटा। बोलो आ गया कि नहीं आ गया भाई, माइनस टू तो एडजस्ट हो गया ना। अब हमारे दिमाग में दो बातें चल रही हैं, क्या या तो इसकी आइडेंटिटी खोल दें भाई, ये क्या होता है जरा बताओ क्या होता है, ये होता है टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू, और ये क्या होता है बेटा, ये होता है टू कोस स्क्वेयर थीटा बाई टू। तो बोलो खोल दे इसको, चलो बताओ क्या होगा, माइनस टू इंटू ये आ गया टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू अपॉन टू कोस स्क्वेयर थीटा बाई टू, इसका अंडरूट आ गया, और इंटू साइन थीटा कोस थीटा। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, इंटू डी थीटा। ठीक है, वेरी इजी। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, रूट एक्स की जगह कोस थीटा निकाला, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, डीएक्स की हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, चलो डीएक्स की वैल्यू आ गई माइनस टू साइन थीटा कोस थीटा, और ये आ गया आपके पास, और ये इनटू था, ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब जरा देखो मैंने क्या किया, वन माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू, वन प्लस कोस थीटा टू कोस स्क्वेयर थीटा बाई टू, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, टू से टू कैंसिल हो गया, माइनस टू इंटू, बताओ क्या आया भार, यहां से तो आ गया साइन थीटा बाई टू, और यहां से क्या आया, यहां से आया कोस थीटा बाई टू। अब यहां पे बेटा एक बात समझने वाली है, वो क्या समझने वाली है कि भाई ये जो साइन थीटा बचा ना, तो अभी साइन थीटा को थीटा बाई टू में तोड़ो, तो अभी तो कोई चीज कैंसिल होगी। तो देखो साइन थीटा को अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो बोलो किसमें कर सकता हूं, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू, समझ आ गई बात, और इंटू क्या आ गया तुम्हारे पास, कोस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, मैंने इस कोस थीटा को नहीं तोड़ा, मैंने साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, कोस थीटा बाई टू से कोस थीटा बाई टू कैंसिल हो गया, माइनस टू इंटू, अब याद करो बेटा टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू, याद आया टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू, इसका तो फॉर्मूला होता था कौन सा होता था, अरे वन माइनस कोस थीटा होता था, याद करो होता था कि नहीं होता था, वन माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता था, टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू। तो मैं अब ऐसा कर सकता हूं, ये जो टर्म है यहां से लेके यहां तक, ये क्या बनी, टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, वन माइनस कोस थीटा लिख सकता हूं, और इनटू क्या आ गया, इनटू तो आ गया कोस थीटा, और इनटू क्या आ गया डी थीटा। तो आप क्या करें जरा देखो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस टू इनटू इंटीग्रेशन ऑफ भाई कोस थीटा को वन से करो, तो ये तो आ गया कोस थीटा, बोलो आ गया कि नहीं आ गया, माइनस कोस थीटा करेंगे तो माइनस आ गया कोस स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा आ गया, वेरी सिंपल, समझ आया भाई, कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब याद है बेटा कोस थीटा का करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है, लेकिन क्या कोस स्क्वायर थीटा का आता है आपको, फर्स्ट एक्सरसाइज को याद करिए, मैंने वहां बताया था आपको कि अगर कोस की पावर एक से ज्यादा हो, मतलब टू हो थ्री हो फोर हो, तो आपको सिंगल वन पावर में ब्रेक करना है। तो अब देखो सिंगल वन पावर में ब्रेक कैसे करूंगा, कोस थीटा माइनस, याद करो इलेवेंथ का कॉन्सेप्ट है, इसको लिख दूंगा कोस टू थीटा अपॉन टू, और इन टू हो जाएगा तुम्हारे पास डी थीटा, वन प्लस कोस टू थीटा अपॉन टू। भैया आप कह सकते हो वन प्लस कोस टू थीटा क्या होता है, टू कोस स्क्वायर थीटा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा ही आएगा। अच्छा अब देखो अगर इस माइनस टू से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो पता है क्या होगा, चलो पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, माइनस टू इंटू, बताओ बेटा कोस, पहले चलो टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस टू कोस थीटा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, माइनस टू कोस थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस वन और प्लस
cos 2 theta into d theta. देखो मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया अभी, क्या किया मैंने अभी तक, भाई मैंने माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 cos theta और माइनस माइनस हो गया, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया. अच्छा अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो जरा बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, पहले तो ये बताओ माइनस 2 into भाई cos theta का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos theta का तो होता है sin theta, जब विद रिस्पेक्ट टू theta करूंगा तो 1 का क्या होगा, 1 का तो theta होगा, और cos 2 theta का क्या होगा, cos 2 theta का होगा sin 2 theta upon 2, 2 theta का 2 होगा और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा. चलो इसको थोड़ा और ब्रेक कर लेते हैं, ये हो गया माइनस 2 sin theta प्लस theta प्लस ये याद है क्या होता है 2 sin theta cos theta upon 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो गया. ठीक है अब आपको एक बात का ध्यान रखना बेटा, आंसर को थीटा में मत छोड़ देना, क्योंकि क्वेश्चन तो थीटा में था ही नहीं भाई, क्वेश्चन तो किस में था, x में था, तो हमें वापस वैल्यू और रखनी है. अब वापस कैसे रखोगे, देखो ध्यान से, रूट एक्स किसके इक्वल है, कोस थीटा के, तो पता है यहां से थीटा तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, बताओ थीटा कितना हो गया, अरे कोस इनवर्स रूट एक्स, भाई कोस उधर जाएगा तो क्या बनेगा, कोस इनवर्स रूट एक्स. चलो थीटा की वैल्यू तो आ गई, थीटा को तो रिप्लेस कर देंगे. अच्छा कोस थीटा में भी समस्या नहीं है, कोस थीटा की वैल्यू होगी रूट एक्स, तो साइन थीटा कितना हुआ, अरे आसानी से निकाल लोगे, साइन थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा कितना हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो 1 माइनस कोस थीटा कितना है रूट एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा एक्स होगा, इसका अंडर रूट. ये वैल्यू आ गई साइन थीटा की, तो देखो अब सारी वैल्यू रख रहा हूं मैं, will be equal to minus 2 into sin theta की वैल्यू बताओ कितनी आई है, sin theta की कितनी है root 1 minus x, तो इसकी जगह आ जाएगा root 1 minus x plus theta की वैल्यू बताओ कितनी है, theta की वैल्यू cos inverse root x है, तो ये आ जाएगा cos inverse root x plus sin theta कितना है, sin theta निकाला ही था 1 minus x का root, और cos theta कितना है root x, तो ये आ जाएगा root x into 1 माइनस एक्स का रूट प्लस में सी आ जाएगा. तो देखो हमने सारी की सारी जो वैल्यू थी ना, साइन थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया, थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और हमने साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू और रख दी प्लस सी. तो आपने खुद देखा होगा बेटा कि इस क्वेश्चन का हर स्टेप अपने आप में समझने वाला है, तो बहुत ध्यान से करना है इसको, बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करनी है. इसके साथ ही बेटा हमने जो आपके इंडेफिनिट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन हमने यहां पे फिनिश कर लिया है, नोट इट डाउन.